Hey everyone, this is Manpreet. I hope you are doing well and you are watching Aaj Fever channel. So, आज की वीडियो जो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि मैम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो रीडिंग के हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाओ. हालांकि इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर फिर भी मैं एक बार फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो वीडियो है रीडिंग के वो बना रही हूँ. और इस बार हमने पैसेज जो लिया है वो आयल्स फीवर की मेन वेबसाइट का रीडिंग टेस्ट नंबर 127 लिया है हमने. और टॉपिक जो है आपके पास यहाँ पर है साइंस से रिलेटेड है. सो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं. आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर स्टूडेंट्स के थॉट क्या हैं, ठीक है. उनका माइंडसेट है कि इसके आंसर तो मिलते ही नहीं हैं. सो सबसे पहले वो चेंज करना है, आपको अपना माइंडसेट ही चेंज करना है, तो उसके बारे में बात करेंगे. सेकंड हम बात करेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कैसे किया जाए कि सारे आंसर करेक्ट हों, ठीक है. थर्ड हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को ऐसी क्या चीज़ होती है कि जब उन्हें लोकेशन मिलती है तो उन्हें चारों के चार ऑप्शन सही लग रही होती हैं, चार नहीं तो तीन तो उन्हें सही लग ही रही होती हैं. तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और उससे कैसे मतलब ठीक किया जाए वो भी हम बात करेंगे. सो ओवरऑल आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो रीडिंग में आते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाए. और आज की वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको बिलीव दिलाती हूँ. सो एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप वीडियो पर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आयल्स से रिलेटेड रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग सभी की वीडियोस मिलेंगी, सभी को सॉल्व करने के ट्रिक्स मिलेंगे. और रीडिंग में आप सिर्फ अपना टारगेट जो है वो 9 बैंड का रखिए, कभी भी इससे कम नहीं रखना, क्योंकि 9 बैंड रखोगे ना तो आप मेहनत भी उसी लेवल की करोगे. अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम जो है किसी तरह समहाओ कि हाँ हमारे 5.5 आ रहे हैं, हम किसी तरह बस 6 मिल जाए भगवान, किसी तरह 6.5 आ जाएं, अगर आपकी सोच यहीं पर अटकी है तो आप मेहनत भी हार्डवर्क भी उसी लेवल का कर रहे हो. अपना टारगेट थोड़ा अप रखिए, आप 9 बैंड तक अचीव कर सकते हो रीडिंग में बहुत ईजिली. बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वीडियो के बीच में हम वो बातें डिस्कस करते चलेंगे. चलिए अब सीधा आते हैं टॉपिक पे. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये है हमारा टॉपिक और ये आपको दिया हुआ है टाइटल. ये पैसेज 3 है आयल्स राइटिंग रीडिंग सॉरी आयल्स फीवर की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने लिया है टेस्ट नंबर 127. और टॉपिक आपको दिया हुआ है एक्सप्लोरेशन ऑफ मास्क, ठीक है, यानी कि साइंस से रिलेटेड है. अब हमें देखने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है. चलिए देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको ए बी इस तरह से पैराग्राफ दिए होते हैं, ये आप सबको पता है. और एक सेकंड, ये 27 से 32 हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें पैराग्राफ मैचिंग यानी कि इंफॉर्मेशन मैचिंग के बारे में है. ये किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे, पर आज की वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो ये हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं 33, 34, 35 एंड 36. तो ये हमारे क्वेश्चन जो हैं वो मल्टीपल चॉइस हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, कीवर्ड फाइंड आउट करना है स्टेटमेंट में से. सो आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको जो ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसे रीड आउट करना है. उन्होंने कहा कि कोई एक करेक्ट लेटर चूज़ करना है. कई बार मल्टीपल चॉइस में ऑप्शंस 6 या 7 आती हैं जिसमें से आपको 2 लेटर चूज़ करने होते हैं या 3 लेटर चूज़ करने होते हैं, बट नॉर्मली इसी तरह के MCQs आते हैं. सो सबसे पहला काम क्या है, आपको जो है वो क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है, क्वेश्चन रीड करना है. उसके बाद आपको उसमें से जो है कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं, कीवर्ड पिक करने हैं, देन उसे फाइंड करना है पैसेज में, और आपको ऑप्शंस जो है वो बाद में रीड आउट करनी है. अगर आप चाहो तो वो पहले भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से हम डिस्कस करेंगे, बट जो सा तरीका आपके लिए सही साबित हो
वही आपको फॉलो करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स को अगर कहें कि पहले उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है कि पहले पूरा पैसेज रीड आउट कर लो उसके बाद क्वेश्चन की तरफ जाओ, तो उन्हें वही मेथड से ज़्यादा आंसर करेक्ट होते हैं। सो आप किसी और के पीछे लगकर, किसी और को फॉलो कर जो है अपना मेथड ना चेंज कीजिए। आप सिर्फ अपना मेथड तब चेंज कीजिए अगर आपको लग रहा है कि इस मेथड को मैं पिछले एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये मेथड मेरे लिए उतने ही नंबर ला के दे रहा है, मुझे 21-23 मेरे इतने ही एवरेज जा रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो रही। तब आप अपना मेथड चेंज करके देखिए कि क्या उससे आपके आंसर ज़्यादा सही ठीक हो रहे हैं, ठीक है, तब मेथड चेंज कीजिए। अब दो मेथड हैं इसको करने की, MCQs को। फर्स्ट मेथड जो मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, हम दो मेथड इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़नी है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़नी है आपको, जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं इनको रीड आउट नहीं करना। सो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाउ डिड, ये एक पर्सन का नेम है, डिस्क्राइब मास्क इन दिस पैसेज, पैसेज में इस पर्सन ने, इस साइंटिस्ट ने कैसे डिस्क्राइब किया, किसको, मास्क को, ठीक है। हमें सिर्फ ये दो कीवर्ड मिले हैं, हमें इसमें, इस क्वेश्चन में हमें क्या कीवर्ड मिले हैं कि ये जो पर्सन है इसने कैसे डिस्क्राइब किया मास्क को, ठीक है। सो हम जाते हैं अपने पैराग्राफ पे और सर्च करते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन। सो पैसेज की अगर बात करें तो पैसेज में हमें उस पर्सन का नेम यहाँ पर दिया हुआ है, ओके, यहाँ पर दिया हुआ है पैसेज, उस पर्सन का नेम, तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि इस पर्सन ने मेड अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द मास फ्रॉम हिज ओन ऑब्जर्वेशन ऑफ मास फ्रॉम हिज ओन दिस दिस दिस, फिर उसके बाद इसने कहा वाज कन्विंस्ड अ ग्रेट नेटवर्क ऑफ कैनल had been digged to irrigate crops from the matter raised. He suggest that each canal had fertilized vegetations on either side, make them noticeable from earth. अब इस पूरे बात में, अब इस पूरी बात से आपको क्या पता चल रहा है, उसने यहाँ से आपको लोकेशन मिल गई। उसने कहा कि उसने क्या किया, कन्वेंस्ड किया, यानी कि मना लिया है, उसने ये अपनी थ्योरी दी है, अ ग्रेट नेटवर्क ऑफ कैनल, कि वो क्या है, मास्क जो कैनल है वो क्या है, ग्रेट नेटवर्क है, जो क्या है, हैज़ बीन डिग टू इरीगेट क्रॉप, और किसके बारे में बात की है, क्रॉप्स के बारे में बात की है। ही सजेस्ट दैट, उसने और क्या किया, ईच कैनल हैड फर्टिलाइज वेजिटेशन ऑन आइदर साइड, कहते कि हर एक नदी के दूसरी साइड पर क्या है, जो वेजिटेशन है, जो जड़ी बूटियाँ हैं, वो मतलब जो पौधे लगा लो आप किसी भी तरह के, वो क्या है, फर्टिलाइज होते हैं, उगते हैं, मेकिंग देम नोटिसेबल फ्रॉम अर्थ, जिस तरह की हम नोटिस कर सकते हैं, यानी कि मास से उसे कुछ इस तरह से दिख रहा था ये, ठीक है। एंड ड्राइंग एंड ग्रोबर है ही मेड शो अ नेटवर्क ऑफ, उसने क्या कहा कि ये एक नेटवर्क है, किसका, कैनल्स का एंड ओसेस का, ऑल ओवर द प्लानट। सो पूरे इस पैराग्राफ में उसकी थ्योरी ने मास्क को कैसे डिस्क्राइब किया है, उसने किसके बारे में बात की है, एक की है उसने कैनल के बारे में बात, एक उसने की है कॉप्स के बारे में बात, ठीक है, वेजिटेशन के बारे में बात, यहाँ पर फिर कैनल के बारे में बात की है, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ भी कैनल के बारे में, यानी कि उसने किस किस चीज़ के बारे में बात की है, उसने की है बात कि जो मास है वो क्या है, उसकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक ग्रेट नेटवर्क देखने को मिलता है कि जो नदियाँ हैं उनके कैनल्स हैं उनके भी जो है साइड्स में आपको पेड़ पौधे दिखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह से उसने बात की है। तो मास को किस तरह से डिस्क्राइब किया उसने, वो हमने देखना है। तो हमारा ऑप्शंस कुछ इस तरह से दी गई हैं। उसने कहा फर्स्ट ऑप्शन परफेक्ट ऑब्जर्वेशन लोकेशन इन, फर्स्ट और ऑब्जर्वेशन उसकी परफेक्ट ऑब्जर्वेशन थी, कोई परफेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात की गई है, उसकी ऑब्जर्वेशन की बात की गई है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की बात की गई है, बट
परफेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात नहीं की गई. उसने कहा मेड अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ मार्स फ्रॉम हिज ओन ऑब्जर्वेशन ऑफ मार्स फ्रॉम हिज ओन ऑब्जर्वेटरी इज दिस. ठीक है, तो उसकी परफेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात नहीं की गई, यानी कि ये हमारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, ऑब्जर्वेशन की बात की गई है बट परफेक्ट की बात नहीं की गई. समझ गए, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं है. सो अगर मैं जाऊँ अगले ऑप्शन के साथ, तो उन्होंने क्या कहा, कैनल ऑफ मार्स आर ब्रॉडर देन दैट ऑफ द अर्थ. यस, कैनल की बात की गई है, ठीक है, अर्थ की बात की गई है, बट कहीं पर इसकी बात हुई है कि वो उसका एरिया जो है वो ज़्यादा बड़ा है या कम है, नहीं, इसकी बात भी नहीं की गई. सो आप लोग क्या गलती करते हो एग्ज़ाम में कि जब आपको कीवर्ड मिल जाते हैं, फॉर सपोज कैनल मिल गया, अर्थ मिल गया, तो आप क्या करते हो कि हाँ डायरेक्ट कीवर्ड मिल गया है तो इसका आंसर यही होगा और आप लगा के आ जाते हो. जल्दीबाजी नहीं करनी है, पहले आपको क्या करना है, जो गलत इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपको वन बाई वन रीड आउट करनी है और उसको एलिमिनेट करना है. चलिए अब देखते हैं हम अगला. नेक्स्ट उन्होंने कहा डेडिकेटेड वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रेस इज सिमिलर टू द अर्थ. जो एग्रीकल्चर वाटर एग्रीकल्चर एंड वाटर जो डेडिकेटेड है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि अर्थ पर है. अब उसके बाद उसने क्या कहा नेक्स्ट में, एक मिनट, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं. आप कहोगे कि हाँ एग्रीकल्चर की बात डायरेक्ट कहीं नहीं दिया हुआ, वाटर डायरेक्ट कहीं नहीं दिया हुआ, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. चलो ठीक है, इसको एक बार होल्ड में रख लेते हैं, अगला पढ़ लेते हैं. उन्होंने कहा मूविंग मार्टिन लिव्स आर फाउंड ऑन ऑब्जर्वेशन. ये तो बिल्कुल ही नहीं दिया हुआ. ठीक है, तो ऑप्शंस आपको किस तरह से मिलती हैं, अब इसका आंसर यही बचता है हमारे पास. और इसके पीछे भी एक लॉजिकल है हमारे पास कि इसका आंसर यही होगा. वो क्या कि वाटर की बात की गई है, डेडिकेट वाटर यानी कि कैनल्स, एग्रीकल्चर ट्रेस की बात की गई है जहां पर आपको कहा गया है फर्टिलाइज वेजिटेशन और क्रॉप्स, सो ये आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और सिमिलर टू अर्थ वो आपको दिया ही हुआ है. सो सी आंसर जो है वो आपका करेक्ट है. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको लोकेशन में जो है चारों आंसर सही क्यों लगते हैं. ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. सो इसका आंसर आपको पता लग गया. अब हम देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन हमें यहाँ पर मिली थी. वेट अ मिनट, इसकी लोकेशन जो है आपको यहाँ पर मिली थी. अब आपको चारों आंसर सही क्यों लगते हैं उसका भी एक रीज़न है. उसका क्या रीज़न है कि जो एक इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल दूसरी के अपोजिट होती है. एक इंफॉर्मेशन आपको पैसेज में दी होगी पर उसके बारे में पूछा नहीं गया, यानी कि क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं होगा. एग्जांपल के तौर पे अगर आपको एग्जांपल दे के समझाया जाए तो शायद आपको जल्दी समझ आ जाएगा. जैसा कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है सो इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन की बात की गई थी, लोकेशन की बात नहीं की गई थी. ये क्या था आपका, ये आपको अध अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था. यानी कि एक तो आपको ऑप्शन ऐसी होगी जिसमें से अध अधूरी इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि अपोजिट बात की गई होगी. ठीक है, अब इसमें क्या था, कैनल ऑफ मार्स आर ब्रॉडर देन द अर्थ. इसमें क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, कैनल के बारे में भी दी गई है, अर्थ के बारे में दी गई है, बट एक्सेसिव इंफॉर्मेशन आपको ऑप्शन में दे दी, जबकि इसके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं की गई. वहाँ पर उन्होंने लिखा है सिमिलर है और यहाँ पर इन्होंने लिखा है ब्रॉडर देन है. ये क्या है, ये अपोजिट है. और ये क्या है, ये इनकम्प्लीट जो हम कह दें कि इंफॉर्मेशन है. ठीक है, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ये अपोजिट है और ये इररिलेवेंट है, इसके बारे में तो बात ही नहीं की गई. तो ये क्या है, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है. सो हमेशा ऑप्शंस आपको इसी तरह से दी गई होती हैं कंफ्यूज करने के लिए. सो आपको इन दोनों में से एक आंसर अगर चूज़ करना हो तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 40% स्टूडेंट ऐसे होंगे
जो बी ऑप्शन को करेक्ट करके आएंगे, क्योंकि उन्हें ये कीवर्ड मिल जाएगा और ये कीवर्ड मिल जाएगा, जबकि वो ये नहीं देखेंगे इसको पढ़ के कि हाँ इसका सही आंसर क्या निकल रहा है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं कि सेकंड मेथड किस तरह से काम करता है। सेकंड मेथड के लिए हम 34 क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ डिड पीपल चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू टुवार्ड्स मास इन द 19th सेंचुरी। सो इस तरह के जब कीवर्ड आते हैं तो जल्दी जो है फाइंड आउट हो सकते हैं। सो उन्होंने क्या, हाउ डिड पीपल चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह से लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया। अब चेंज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, टुवार्ड मास, इसके बारे में, मास के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया लोगों ने 19th सेंचुरी में। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब आपको ऑप्शन भी साथ के साथ कीवर्ड अंडरलाइन करने हैं ताकि आपको बाद में सारे के ऑप्शन ना पढ़ने पड़े। दूसरा मेथड, ये है हमारा सेकंड मेथड। ठीक है, अब ये सेकंड मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। सो इसमें उन्होंने कहा दे एक्सपीरियंस्ड अ मर्टन अटैक, उन्होंने एक्सपीरियंस किया अटैक। ठीक है, दे लर्न नॉलेज ऑफ मास थ्रू सम लिटरेचर वर्क, नॉलेज ली उन्होंने कहाँ से, लिटरेचर वर्क से। दे लर्न अ न्यू कंसेप्ट, उन्होंने न्यू कंसेप्ट सीखा बाय लिसनिंग टू अ फेमस रेडियो, कहाँ से, लिसनिंग फेमस रेडियो प्रोग्राम से। अच्छा, दे अटेंडेड लेक्चर गिवन बाय फेमस राइटर, उन्होंने अटेंड किया लेक्चर किससे, फेमस राइटर से। अब मैंने ऑप्शंस के भी कीवर्ड अंडरलाइन कर लिए जिनके ऊपर पूरी ऑप्शन बेस है। अगर मैं इन वर्ड्स को नहीं भी पढ़ती हूँ तब भी मेरे को इसका पता लग रहा है कि एक्सपीरियंस उन्होंने अटैक किया था, उन्हें कुछ नॉलेज मिली थी, लिटरेचर वर्क के कंसेप्ट था कोई न्यू, जो उन्हें न्यू कंसेप्ट था वो लिसन हुआ कहाँ से, रेडियो प्रोग्राम से, लिटरेचर लेक्चर उन्होंने कोई लिया किससे, फेमस राइटर से। अब मुझे पूरा बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कहाँ पर ये बात हो रही है 19th सेंचुरी की। अब मैं पैसेज की तरफ चलती हूँ, तो पैसेज की बात करें तो 19th सेंचुरी की बात जो है वो इस पैराग्राफ में की गई है, डायरेक्टली आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको कीवर्ड मिल गया है यहाँ पर 19th सेंचुरी। अब इसको अगर हम पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा द आइडिया दैट देयर वर इंटेलिजेंस लाइफ ऑफ दिस एंड दिस, ओके, इन 1898 दिस वी रोट अ साइंस फिक्शन क्लासिक, उनने क्या किया, एक लिखा, यानी कि कोई नॉवल लिखा। ठीक है, नॉवल लिखा किससे रिलेटेड, साइंस फिक्शन क्लासिक से, द वॉर ऑफ वर्ड्स अबाउट एन एब्सेंस फोर्स ऑफ मर्टियन। ओके, अब देखो आपको ये वाला कीवर्ड भी मिल गया मर्टन के बारे में, वार भी मिल गया, वार ऑफ वर्ड अबाउट दिस फोर्स ट्राई टू इंसर्ट अर्थ, दे यूजली एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस टू दिस दिस दिस। ठीक है, इन 19th सेंचुरी रोड द इन द फर्स्ट रोड द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ 11 नॉवल्स अबाउट मास। अब यहाँ पर उसने बात की है, उसने क्या पूछा है आपको क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में आपको पूछा है, वेट अ मिनट, उसने क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, यहाँ पर उन्होंने पूछा कि लोगों का मास के, जो मास के प्रति है, जो ग्रह के प्रति है, ध्रुव के प्रति है, वो लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज हुआ। ठीक है, ना कि उन्होंने इसमें लड़ाई झगड़े के बारे में कुछ पूछा है, क्योंकि इससे पहले जब बात की गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने बात की है वार की, कि लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था वर्ड में, ठीक है, इसके बारे में। बट उसने कहा कि उसने एक नॉवल लिखा था, ये क्या था, ये जो है वो एक नॉवल लिखा है उसने। ठीक है, उसके बाद उसने फिर बात की कि उसके बाद ये राइटर आया, ठीक है, उसने क्या किया, उसने अगेन रोट लिखा, क्या लिखा, फर्स्ट इन सीरीज ऑफ 11 नॉवल लिखे, किसके बारे में, मार्स के बारे में। तो उसने क्या कहा आगे, स्ट्रेंज बिगन एंड रैम्प्ट दिस ग्रिप्ड द पब्लिक्स इमेजिनेशन। अब देखिए ये आपको वर्ड मिल गया पब्लिक्स इमेजिनेशन, अब वहाँ पर आपको पैसेज में क्या दिया हुआ है, पैसेज में आपको क्या दिया हुआ है, पैसेज में दिया हुआ है आपको, एक मिनट में यहाँ लिख देती हूँ, वो दिया हुआ है पीपल्स
चेंज देयर माइंड ना, कुछ इस तरह से दिया हुआ था ना, चेंज योर माइंड, यानी कि चेंज माइंड, इसकी बात हुई यहाँ से। अब उसने उसके बाद क्या कहा, किसके बाद चेंज हुआ उनका माइंड, जब उन्होंने एक सीरीज निकाली, कैसी सीरीज, 11 नॉवल्स की, नॉवल लिखे उसके बाद उनका माइंडसेट चेंज हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बात की, अ रेडियो ब्रॉडकास्ट बाय हैव अ नाइट इन दिस ऑफ द वार ऑफ द वर्ल्ड कोज विद स्प्रेड पैनिक अक्रॉस अमेरिका। तो एक रेडियो के द्वारा ब्रॉडकास्ट हुआ, जिससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर जो है पैनिक, घबराहट फैल गई, पीपल रन इनटू द स्ट्रीट, लोगों ने स्ट्रीट्स पे आना शुरू कर दिया, इन देयर पजामास, मिलियन बिलीव दिस, तो लोगों ने ऐसा बिलीव करना मतलब शुरू कर दिया, मतलब जो चेंज आया वो किसके बाद आया बेसिकली। अब देखिए आपका कन्फ्यूज़न लेवल यहाँ पर आकर बढ़ जाता है। मैंने डिफ़िकल्ट वाली रीडिंग इसलिए उठाई है ताकि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं। अगर फिर भी कोई डाउट आपका ऐसा रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लीजिए, और उसके साथ साथ आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन, व्हाट्सएप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा ऑफिशियल, तो उस व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कंटेक्ट कर सकते हो हमें। सो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि किस तरह से आप लोग कंफ्यूज होते हो। अब उसने कहा एक्सपीरियंस्ड अटैक, नहीं बात नहीं हुई इसकी, बात हुई है वार की बात हुई है, बट लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया इसकी बात नहीं हुई, ठीक है। दे लर्न नॉलेज ऑफ मास थ्रू सम लिटरेचर वर्क, आप कहोगे कि नहीं इसकी बात नहीं हुई, बट उसने यहाँ पर लिटरेचर की जगह वर्ड यूज़ किया नोवल, कि उसने लिटरेचर क्या होता है, लिखने का काम है ना, कुछ ऐसे आर्टिकल्स छाप देना, कुछ ऐसे लिटरेचर छाप देना, तो उसी तरह तो उसने नॉवल्स की बात की, कि जब उसने 11 एक सीरीज़ ऑफ 11 नॉवल की निकाली, सो उसके बाद क्या हुआ, 11 नॉवल्स की जब उसने सीरीज़ निकाली तो लोगों का जो इम्प्रेशन था, जो इमेजिनेशन थी, वो लोगों की क्या थी, चेंज हो गई थी, टोटली बदल गई थी। सो इसके बारे में बात की है, हम इसको होल्ड पे रख लेते हैं कि हाँ ये हमारा आंसर हो सकता है, फिर आगे के आप पढ़ सकते हो। जैसे उन्होंने कहा दे लर्न अ न्यू कंसेप्ट बाय लिसनिंग अ फेमस रेडियो प्रोग्राम, उन्होंने यहाँ पर रेडियो प्रोग्राम की बात की है, रेडियो प्रोग्राम की बात की है, बट न्यू कंसेप्ट उन्हें सीखने को मिला इसकी बात नहीं की। समझ गए, बात को समझो कि किस तरह से आपको ट्रैप किया जाता है, किस तरह से आपको घुमाया जाता है। उन्होंने रेडियो प्रोग्राम की जगह पे वर्ड यूज़ किया रेडियो ब्रॉडकास्ट, ठीक है, बट कोई बात नहीं हुई कि उन्होंने फेमस रेडियो प्रोग्राम था कोई, या कोई न्यू कंसेप्ट उससे सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि एक रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ जिससे क्या हुआ, लोगों के अंदर वो जो प्रॉब्लम थी उसके खिलाफ जो है वो इतनी तेज़ी से ब्रॉडकास्ट हुआ, जब तो इतनी तेज़ी से लोगों के अंदर घबराहट हुई कि लोग जो है वो कहाँ पर आ गए, स्ट्रीट्स पे आ गए अपने पजामास में, और इस तरह से कुछ ठीक था ये था। और इसके बारे में फेमस राइटर का लेक्चर अटेंड किया, तो इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है, हमारा करेक्ट आंसर बनता है बी, कि सिर्फ इसी की बात की। अब सेकेंड मेथड के जरिए आपको आंसर जल्दी मिलते हैं या फर्स्ट मेथड के जरिए आपको आंसर जल्दी मिलते हैं, ये आपको खुद से डिसाइड करना है, क्योंकि किसी और का मेथड आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव हो ये आपको तभी पता लग सकता है जब आप उसके बारे में प्रैक्टिस करोगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक रीडिंग के MCQs फर्स्ट मेथड से करके देखिए, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रीड आउट करोगे। सेकेंड मेथड से आप अगली रीडिंग करके देखिए और डिफरेंस देखिए कि किसके MCQ, किस टाइप ऑफ मेथड को यूज़ करके आपके MCQs जल्दी ठीक हो रहे हैं और ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। सो वही मेथड आपको फॉलो करना है और वही मेथड आपके लिए सही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस मेथड को फॉलो कर लीजिए, स्ट्रिक्टली यही मेथड ही फॉलो कीजिए, बट कौन सा मेथड आपके लिए सही में अच्छा लगता है, जो आपको सही आंसर देता है ज़्यादा, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिससे आपके नंबर ज़्यादा रहे। हमें तो बेसिकली 9 बैंड से मतलब है, हमारा तो बेसिकली मतलब ही यही है कि हमें सिर्फ अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छा स्कोर करना है, और वो चाहे मेथड ए को यूज़ करके हों और चाहे मेथड बी को, पर मेरे लिए हमेशा सेकेंड वाला मेथड काम करता है। सो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करती हूँ सेकेंड मेथड से। अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें भी चार ऑप्शन में आपको किस तरह से ट्रैप किया गया। अब देखिए
उन्होंने मर्टन अटैक के बारे में बात की, वार के बारे में बात की, बट एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं की, यानी कि ये आपकी क्या थी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हर क्वेश्चन में इसी तरह ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी है, हर जितने भी MCQs होंगे आपको इसी तरह से ऑप्शंस में घुमाया जाता है, इसी तरह से जाल बिछाया जाता है। ये आपकी ऑप्शन जो थी वो बिल्कुल करेक्ट थी, और ये वाली ऑप्शन जो थी वो बिल्कुल अपोजिट थी। अपोजिट किस तरह थी, क्योंकि उन्होंने कोई न्यू कंसेप्ट के बारे में बात नहीं की गई, कोई फेमस के बारे में बात नहीं की गई, रेडियो प्रोग्राम के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट थी, इसके बारे में तो बात ही नहीं हुई थी। सो वही चार ऑप्शंस यहाँ पर मिले थे, वही चार ऑप्शन यहाँ पर मिले थे, और करेक्ट चूज़ करना था। इसीलिए आपको जो है एक एक दो दो कीवर्ड आपको उसमें मिलेगा, तीन ऑप्शंस आपको करेक्ट मिलती ही मिलती हैं पैसेज में, और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि ये पैसेज थ्री है, और पैसेज थ्री आपको पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल होता है इसका, बट अगर नाइन बैंड लेने हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो चलिए इसमें देखते हैं, इन्होंने लिखा है इन 1960s विच इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट। 1960s की बात की जाए तो कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है अबाउट मार्स बाय नंबर ऑफ प्रोब्स सेंट टू द स्पेस। उन्होंने कहा कि अगर 1960 की बात की जाए तो कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है, किसके बारे में, मार्स के बारे में, किसके जरिए जो फोटोस जो प्रॉप्स जांच की गई थी उसके बारे में भेजी गई थी उसके बारे में। सो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है इट हैज़ अ लैंडस्केप फुल ऑफ रॉक, कि वहाँ पर लैंडस्केप थी फुल ऑफ रॉक एंड रिवर से। इट वाज नॉट एज विविड एज अर्थ। इट कंटेन द सेम सब्सटेंस एज इन द मून, कंटेंट सेम सब्सटेंस मून। इट हैज़ different images from the following prop. Okay, चलिए अब सर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि वो जो लैंडस्केप थी वो फुल, जहाँ पर यानी कि जो उन्होंने मार्क्स पे जाके सर्च की, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की किसके द्वारा, फोटोज़ के द्वारा, तो उसके बारे में आपको बताना है कि क्या इंफॉर्मेशन सही थी उसके बारे में, जो फोटोज़ से उन्हें क्या पता चला, क्या उन्हें ये पता चला कि वो लैंडस्केप जो है वो पूरी तरह से रॉक्स और रिवर से फुल थी, क्या उन्हें ये पता चला कि वो जो है बिल्कुल भी जैसा अर्थ पे जीवन संबंध है वैसी नहीं थी। ठीक है, या उन्हें ये पता चला कि उसके जो पार्टिकल्स थे जो सब्सटेंस थे वो बिल्कुल मून की तरह ही थे, क्या उन्हें ये पता चला कि उन्होंने जितनी भी डिफरेंट इमेजेस ली थी वो बिन अलग अलग जो है जांच से ली गई थी। सो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं जहाँ पर हमें 1960s के बारे में बात की गई होगी। तो हमने ये पैरा यहाँ पढ़ा था इसके बारे में, उसके बाद बात की गई है, ओके यहाँ पर बात की गई है ना, यस यहाँ पर आपको कीवर्ड मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आगे बात की गई है। तो हम देख लेते हैं कि इसका आंसर कहाँ पर होगा, हमें लोकेशन पता है कि इस पैराग्राफ में है। सो इस पैराग्राफ में उन्होंने यहाँ पर बात की गई, उन्होंने कहा मच ऑफ आवर रीसेंट नॉलेज कम्स फ्रॉम दिस रोबोटिक मिशन इन टू स्पेस। कहते हमारी जो रीसेंट नॉलेज है वो कहाँ से आ रही है, जो रोबोटिक मिशन्स हो रहे हैं कहाँ पर, स्पेस में। द फर्स्ट इमेज सेंट बैक फ्रॉम मार्स कम फ्रॉम मनियार 4, जो फर्स्ट पिक्चर थी, फर्स्ट पिक्चर थी वो मार्स से कब आई थी, मनियार 4 को जब भेजा गया था जुलाई 1965 में। दे शोज अ क्रेटर एंड बेरर लैंडस्केप, तो उन्होंने क्या शो किया था कि वहाँ पर लैंडस्केप जो है वो उपजाऊ नहीं है, मतलब कुछ इस तरह से गड्ढे हैं और ये है वो है, मोर लाइक द सरफेस ऑफ अवर मून देन अर्थ, कि वहाँ पर सरफेस जो है मोर लाइक, ज़्यादा लाइक कैसा है, जैसा हमारे मून पर है अर्थ की बजाय। तो इन 1960s मरेन फिर भेजा गया उसे दोबारा, मरेन 6 और 7 को, यहाँ पर मरेन 4 गया था, यानी कि जो रॉकेट भेजे जाते हैं ना वो उस तरह से, तो अब 6 और 7 को भेजा। वर लॉन्च्ड एंड टुक 200 फोटोग्राफ्स ऑफ मार्स, तो उन्होंने क्या निकाला निष्कर्ष कि उन्होंने हेमीफ्रॉस और पोलीज मिशन को किया, बट अब वो गेम को घुमाने वाले हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि ऐसे वर्ड्स को नज़रअंदाज मत कीजिए। उन्होंने कहा बट दीज शोज़ वेरी लिटल
दीज शोज वेरी लिटल मोर इंफॉर्मेशन, बट उन्होंने क्या है बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन बताई इसके बारे में। और इन 1971 में क्या हुआ, फिर भेजा गया मरीन 9 को, तो उसने क्या कहा, उसने क्या किया, ऑर्बिट का प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाए 12 घंटे तक। फिर क्या हुआ कि उसने दो पॉप्स भेजे प्लैनेट में ईच विद दिस एंड लैंडर हैड ओके अब उसने क्या किया, स्कोपम मर्टेन रॉक्स एंड डिड एक्सपेरिमेंट टू ट्राई एंड फाइंड साइन ऑफ लाइन। उसने क्या किया, खोजने की कोशिश की कि क्या वहाँ पर, उस रॉक्स को छांटा, एक्सपेरिमेंट किया और ट्राई एंड फाइंड साइन ऑफ लाइफ कि क्या यहाँ पर कुछ साइन मिल सकता है लाइफ का, जैसे कि हम अर्थ पर रहते हैं। ऑल दो घुमा दिया बात को, नो लाइफ वॉज फाउंड, कोई लाइफ जो है वहाँ पर नहीं दिखी जैसा कि अर्थ पर है। सो दे सेंड बैक द फर्स्ट कलर पिक्चर, अब उन्होंने फर्स्ट कलर पिक्चर भेजी, पहले जो है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हो सकती हैं कि भेजी हूँ। तो चलिए पूरा पैसेज हमने रीड आउट कर लिया। पूरे पैसेज में आपको क्या देखने को मिला, उन्होंने यहाँ पर गड्ढों की बात की है, उन्होंने यहाँ पर लैंडस्केप की बात की है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर मून सरफेस की बात की है, उन्होंने फ़ोटोज़ की बात की है, कितनी फ़ोटोज़ क्लिक की, बट पूरे पैसेज में उन्होंने ये बात की कि उन्होंने वहाँ पर जाकर क्या खोजा कि क्या अर्थ पर, पहले फ़ोटो जब भेजी उन्होंने 200 फोटोज़ भेजी तब भी उन्हें क्या मिला, बट नो लिटल मोर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि वहाँ पर जीवन संभव है या नहीं। अब जब 1971 में भेजा, जब पूरा राउंड लगाया गया, रॉक्स मिली उन्हें, एक्सपेरिमेंट किया, तब भी उन्होंने यही फाइंड किया, क्या फाइंड किया, फाइंड साइन ऑफ लाइफ कि वहाँ पर जीवन संभव है, ऑल दो नो लाइफ वाइज फाउंड, कोई लाइफ फाउंड नहीं हुई कि वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। सो ऑप्शंस क्या हैं, इट हैज़ अ फुल ऑफ रॉक्स एंड रिवर्स, रिवर्स की बात नहीं की गई, रॉक्स की बात हुई थी। सो ये आपकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में बात नहीं हुई। तो मास के बारे में क्या बात हुई है वो बताना है। इट वॉज नॉट एज विविड एज अर्थ, वो बिल्कुल भी अर्थ की तरह नहीं थी, जी हाँ इसी की बात हुई है, फिर भी आगे के ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं। इट कंटेन द सेम सब्सटेंस एज इन द मून, उन्होंने क्या कहा कि सेम है मून की तरह, नहीं बिल्कुल इसका अपोजिट कहा था, क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने कहा था मोर लाइक द सरफेस। वेट अ मिनट, आई एम शो यू, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर उन्होंने बात की है मोर लाइक द सरफेस ऑफ अवर मून देन अर्थ, ठीक है, ये क्या है, अपोजिट इंफॉर्मेशन है, अपोजिट, तो ये आपकी होगी अपोजिट इंफॉर्मेशन, ये आपकी होगी इनकम्प्लीट, ओके। इसके बारे में डिफरेंट इमेजेस के बारे में बात की गई, डिफरेंट इमेजेस के बारे में बात की गई है, नहीं ये इररिलेवेंट है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है मास की जो है उसी ग्रह की ही फ़ोटो निकाली थी, डिफरेंट इमेजेस नहीं निकाली थी, वहीं की फ़ोटोएँ निकाली थी कि यहाँ पर जीवन संभव है कि नहीं है। सो बी ऑप्शन हमारे पास बचता है और बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो अब आपको पता लग गया होगा ना कि किस तरह से आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। अब मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ 36 नंबर और इसका आंसर आपको खुद से ढूंढना है। मैं आपको लोकेशन भी डिस्प्ले करूँगी और पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आपको आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितना समझ आया। अगर फिर भी एमसीक्यू से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, हम किसी दिन लाइव क्लास जो है रीडिंग की एमसीक्यूज़ पे, और जो भी आप चाहते हो कि लाइव क्लासेस हों, किस टॉपिक पे हो, ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि रीडिंग की ही क्लासेस हों, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे किसी अनदर दिन कि किस तरह की हों। सो क्वेश्चन देखिए, उन्होंने क्या, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रोसीड बाई टेक्नोलॉजी कॉल्ड सॉलिड इन, ये टेक्नोलॉजी कॉल्ड है, ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस दी गई हैं, ये डिस्प्ले है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, सारे ऑप्शंस को पढ़िए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी लोकेशन और आपको आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर ए है, बी, सी या डी। अब इसका लोकेशन आपको दिखाया जाएगा, इसका लोकेशन है जी यहाँ पर,
यहाँ इस पैराग्राफ से बात की गई है, ये रहा सॉलिड, ये रहा सॉलिड, ठीक है। सो यहाँ पर बात की गई है इसकी। सो आपको क्या रीड आउट करना है, आपको इतना रीड आउट करना है, ये समझ आई? जी एन एच आपको रीड आउट करना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको रीड कीजिए और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखते हैं कि कितना आपको समझ आया आज की वीडियो से, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये अपने फीडबैक जो है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और इस मेथड से आप MCQs ट्राई कीजिए और उसके बाद अपने फीडबैक दे सकते हो हमें कि आपको किस तरह की वीडियो लगी और कितना आपके लिए ये मेथड सही रहा और नहीं। अगर आपको इस मेथड से भी मार्क्स नहीं मिल रहे, अगर इस मेथड से भी आपको MCQs नहीं मिल रहे, आप फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहे हो, आप सेकंड मेथड यूज़ कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो वो भी बताइए कि कौन सा मेथड आपके लिए सही है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि इससे क्या है कि हमें पता लग जाता है कि स्टूडेंट्स को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरह की वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। और आपका एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और बहुत ऐसी और सारे कंटेंट सोच के रखे हुए हैं आपके लिए बनाने के लिए। बट आपकी मोटिवेशन जो है वो मोटिवेट करती है ना, जब जब आप लाइक करते हो या वीडियो को शेयर करते हो दूसरों के साथ तो मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आंसर कमेंट सेक्शन में।